हेलो एवरीवन। सो वो इवेंट आ गया है जिसका हम सबको वेट था। इलोन मस्क SNL पे आए हैं एंड उन्होंने डोज कॉइन को नेम ड्रॉप करा है एंड अब ट्विटर पे वही चल रहा है। ये शो हमने लाइव कवर किया था, अगर आपने लाइव स्ट्रीम मिस कर दी हो तो ये उसका पूरा समरी है। एंड डोज कॉइन के प्राइस का हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं बताऊँगा अपने हिसाब से कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक कर देना वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलोन मस्क ने बोला क्या। तो इलोन मस्क ने बेसिकली ये बोला कि डोजकॉइन, बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज अनस्टॉपेबल फोर्स हैं जो फ्यूचर हैं प्लैनेट की क्रिप्टो करेंसी की एंड काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए। एंड उससे पहले हमने देखा था कि डोजकॉइन ने एक बहुत तगड़ा डंप लिया एंड ये इसलिए हुआ है क्योंकि डोजकॉइन को शॉर्ट किया गया था, क्योंकि काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेड था कि इलोन मस्क कोई ऐसा फाइनेंशियल कमेंट नहीं करेंगे जिससे डोजकॉइन बूस्ट होगा। तो ऑब्वियसली इसने डंप एक्सपेक्टेड था एंड यहाँ पे पैनिक सेलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई एंड पैनिक सेलिंग एंड जो वेल्स ने डंप किया उन दोनों को मिला के एंड शॉर्ट सेलिंग के होने के कारण यहाँ पे हमें मैसिव डंप देखने को मिला। लेकिन इलोन मस्क के बोलने से पहले ये सब हुआ था एंड इलोन मस्क ने ये जब बोल दिया है तो इसकी हम देख रहे हैं ट्वीट्स के बाद ट्वीट्स आ रहे हैं। अब SNL जो है वो 11 बजे आता है रात के एंड धीरे धीरे वहाँ सुबह होगी USA में एंड ये क्लिप सर्कुलेट होना स्टार्ट होगी। तो आई थिंक इससे एक इमोशनल डिफरेंस पड़ेगा, जो लोग कभी भी नहीं सोचते थे इसके बारे में वो अब SNL से इफेक्ट होंगे एंड USA बेस्ड लोग जिन्होंने कभी डोजकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने की सोचा है वो देखते हैं कि इलोन मस्क आके इसको बोलता है तो वो मे बी इससे इफेक्टेड हो। नेशनल टेलीविजन में उन्होंने क्लियरली बोला है कि डोजकॉइन बिटकॉइन इज़ द फ्यूचर ऑफ करेंसीज एंड काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंडोर्स किया। ये क्लिप मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, बट बेसिकली उन्होंने इसको इंडोर्स किया है तो इससे एक इफेक्ट पड़ सकता है, तो इमोशनल इकोनॉमिक्स पे हो सकता है। तो अभी हमें देखना है डोजकॉइन का प्राइस कहाँ जाता है। तो अभी धीरे धीरे हमने देखा थोड़ा सा यहाँ पर डंप आया था बट वो सारी करेंसीज में आया था एंड सब ने पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर दी थी, बट यहाँ पर एक छोटा सा इसने स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके चल रहा है एंड 40 रुपीज़ को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 40 रुपीज़ को बार बार टेस्ट किया जा रहा है तो 40 रुपीज़ के आसपास इसका बाइंग जोन हम मान सकते हैं। मैंने बोला था कि ये 40 से 45 के बीच में आके रुकेगा, वहीं पे रुका है एंड अभी मैक्सिमम डाउन हम देख सकते हैं 35 तक जाएगा एंड मैक्सिमम अप मैं 50 ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, $1 अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यही है मेरे प्रिडिक्शन एंड अगर आपने इसको ले रखा है तो आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इमोशनल इकोनॉमिक्स है बेसिकली। जैसे जैसे ये क्लिप इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अभी तो वहाँ पे 11 बज रहे हैं एंड हमने देखा कि रॉबिनहुड जो इनकी ऐप होती है वो तक क्रैश कर गई एंड काफ़ी इससे इफेक्ट हुआ, काफ़ी लोग ट्रेड नहीं कर पाए हैं एंड ओवरऑल जो मेन मेंटालिटी है सब इसी को पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं कि डोजकॉइन के गिरने का वेट कर रहे हैं लेकिन लोग मेनली होल्ड कर रहे हैं एंड वजीरेक्स भी क्रैश हुआ एंड यहाँ रॉबिनहुड भी क्रैश हो गया जो USA का ज़ेरोधा टाइप्स है, वहाँ पर भी क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है। तो ये एक चीज़ है जो हमें देखनी है ठीक है। तो बेसिकली होल्ड करके रखो, लॉस में सेल मत करो। बहुत अब नेक्स्ट इवेंट तक का टाइम लगेगा बट यहाँ से हम इफेक्ट देख सकते हैं। इमोशनल इकोनॉमिक्स पॉसिबल है कि लोग इससे ड्राइव होंगे जैसे जैसे क्लिप सर्कुलेट होगी, क्योंकि इलोन मस्क को लोग कवर बहुत ज़्यादा करते हैं, न्यूज़ मीडिया आउटलेट CNBC एंड वहाँ का TV जो होता है वो सब इलोन मस्क को बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। तो यहाँ से हमें एक इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आपको वीडियो से थोड़ा आइडिया लगा होगा। अगर पसंद आई ये वीडियो तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें एंड टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।